चलिए दोस्तों, फाइनली आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक जबरदस्त टैब जो सिर्फ आपको 20,000 रुपए के अंदर मिलता है, एंड ये है Redmi Pad 2। देखिए ये जो पैड है ना, ये एक नॉर्मल पैड नहीं है, इसमें आपको LTE सिम का सपोर्ट भी मिलता है, मतलब आप वाईफाई और सिम भी आप ये टैब में यूज कर सकते हैं। और भी आपको बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं इकोसिस्टम फीचर की। देखिए इकोसिस्टम फीचर मतलब मल्टी स्क्रीन कनेक्ट। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, जो भी आप मोबाइल फोन में यूज करोगे वो टैब में शो होगा। जस्ट आपको मल्टी स्क्रीन कनेक्ट से टैप करके कनेक्ट करना होगा मोबाइल फोन को सेम स्क्रीन बरेनिंग। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं, आप यहां पे टैब से ही मोबाइल फोन को कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही अमेजिंग फीचर है, यहाँ पे आप टैब से ही मोबाइल फोन को कंट्रोल कर सकते हैं। सारी चीजें आप यहाँ पे टैब में ही यूज कर पाओगे। एंड लास्ट में आपको और एक चीज बोल दूं, जो भी आप मोबाइल फोन में कॉपी करोगे वो टैब में आप पेस्ट कर सकते हैं। जहाँ इतने अमेजिंग फीचर्स है, और भी कई सारे आपको देखने को मिलेंगे। एंड अगर आप 20,000 रुपए के अंदर एक बेस्ट टैबलेट देख रहे हो, ये वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। सारी चीजें मैं आपको बहुत ही कम टाइम में बता दूंगा। अभी मजा आएगा ना वीडियो। और यहाँ पे आप देखिए बॉक्स आपको कुछ ऐसा मिलता है Realme Pad 2 का। जैसे हम यहाँ पे बॉक्स को ओपन करते हैं, बहुत सारी चीजें दी गई है। फर्स्ट आपको मिलता है टैबलेट और उसी के साथ में यूजर मैनुअल, सेपरेट सिम एजेक्टर टूल पिन भी आपको मिल जाती है। 33 वॉट का चार्जिंग एडाप्टर है विथ टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल के साथ में। एंड आप Realme Pad 2 का डिजाइन देखिए, मुझे तो बहुत ही स्टाइलिश लगा है, थोड़ा सा डिफरेंट और यूनिक है, बट दिखने में ये अच्छा दिखता है। एंड अगर आप कलर की बात करते हो, और भी आपको कलर्स मिल जाते हैं, जो आपको बेटर कलर लगता हो वो आप ले सकते हैं। बट पर्सनली ये जो कलर है ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा है, शाइनी कलर है। और जो फ्रेम्स है ये भी आपको मेटल के मिलते हैं। ओवरऑल जो इसका बैक साइड डिजाइन है ये मुझे अच्छा लगा है। साथ ही में पोर्ट्स एंड बटन्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या चीजें कहां पे दी गई है। राइट साइड में अगर आप देखते हो माइक है, और वॉल्यूम अप एंड डाउन के बटन्स भी आपको राइट साइड में ही मिलते हैं। नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो नीचे आपको दो स्पीकर देखने को मिल जाएंगे, और सेंटर में टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट। लेफ्ट साइड में अगर आप देखते हो सिर्फ सिम ट्रे का ऑप्शन है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक सिम वाला टैबलेट है, जहां पे आपको हाइब्रिड स्लॉट मिलता है, जहां पे एक मेमोरी कार्ड भी आप डाल सकते हैं और एक सिम भी आप यहां पे यूज कर सकते हैं LTE ही। और ऊपर के साइड में अगर आप देखोगे तो और दो स्पीकर है, मतलब ये फोन में आपको क्वाड स्पीकर्स मिलते हैं डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ में, और यहां पे ऊपर ही आपको पावर बटन दिया गया। बट और एक चीज मैं आपको ये भी बोल दूं, ये टैबलेट में आपको 3.5mm का हेडफोन जैक नहीं मिलता। एक चीज मुझे ये थोड़ी सी यहाँ पे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इसमें 3.5mm का हेडफोन जैक नहीं दिया गया है। तो चलिए अब Realme Pad 2 के डिस्प्ले की बात करते हैं। आपको इसमें 11.5 इंचेस की 2K रेजोल्यूशन वाली फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले मिलती है। देखिए डिस्प्ले मुझे अच्छी लगी है, बड़ी सी डिस्प्ले दी गई है। साइड के बजल्स अगर आप देखोगे एवरेज बोलूंगा, और जो चेन साइज है ये भी एवरेज है, डिस्प्ले मगर अच्छी है। उसी के साथ में 120 हर्ट्ज की हायर स्क्रीन रिफ्रेश रेट दी गई है, जिसकी वजह से जो डिस्प्ले का परफॉर्मेंस है ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। मैंने इसे यूज़ किया है, परफॉर्मेंस मुझे डिस्प्ले में मल्टीटास्किंग में काफ़ी अच्छा लगा है। स्मूथलेसली बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, आप इजीली ऐप्स ओपन क्लोज भी कर सकते हैं, और जो स्वाइप स्पीड है ये भी काफ़ी इंप्रूव है। और इसमें आपको 450 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई, इतना बोलूँगा आउटडोर में डिसेंट है, बट इंडोर में एक ब्राइट डिस्प्ले आपको मिल जाएगी। और एज यूजुअल मल्टीटास्किंग का सपोर्ट है, जैसा कि फ्लोटिंग विंडो स्प्लिट स्क्रीन आप इसमें कर सकते हैं, ये तो नॉर्मल है, बट ये भी चीज़ें आपको इसमें दी गई है। और उसी के साथ में आप यहाँ पे Realme Pad 2 के डिस्प्ले क्वालिटी देखिए, मुझे जेन्युइनली बहुत ही अच्छी लगी है इसकी डिस्प्ले क्वालिटी। जी हाँ, IPS डिस्प्ले, बट उसके बाद में भी कलर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, कॉन्ट्रास्ट सैचुरेशन सभी चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। जो भी आप यहाँ पे मूवीज़ देखोगे वो एक्सपीरियंस आपका काफ़ी अच्छा होगा, मतलब जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा होगा, व्यूइंग एक्सपीरियंस भी आपको इसमें अच्छा मिल जाता है। ओवरऑल जो डिस्प्ले और जो डिस्प्ले क्वालिटी है ये आपको ये पैड में अच्छी मिल जाएगी। और जो सॉफ्टवेयर है ये टैब में आपको Realme UI वर्जन 4.0 मिलता है, जो कि Android वर्जन 13 पे बेस्ड है। और साथ ही में RAM एक्सपेंशन सपोर्ट भी दिया गया, जहाँ पे 6GB वाले वेरिएंट में आप
6GB तक रैम को एक्सपैंड कर सकते हैं। और एक चीज़ मुझे ये भी यहाँ पे अच्छी ये लगी है, अगर आप देखोगे कोई भी आपको यहाँ पे ज़्यादा ब्लोटवेयर्स मतलब प्री इंस्टॉल एप्लीकेशंस नहीं देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा क्लीन एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड अगर आप कैमरे की बात करते हो तो मैं आपको बोल दूँ डिसेंट से कैमरे है, रियर में आपको 8 MP का कैमरा मिलता है जहाँ पर आप नॉर्मल फोटोज़ ले सकते हैं, अच्छे फोटोज़ आपको मिल जाएंगे। और फ्रंट में आपको 5 MP की सेल्फी मिलती है जहाँ पे डिसेंट फोटोज आप सेल्फी में भी ले सकते हैं। देखिए हर एक टैबलेट में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है गेमिंग को लेकर, और ये टैबलेट में MediaTek Helio G99 का एक बहुत ही अच्छा चिपसेट दिया गया है गेमिंग के लिए, जहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, हाई ग्राफिक्स के गेम आप आसानी से खेल सकते हैं। और आपको तो पता ही है गेमिंग को लेकर एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जहाँ पे आपको सारी गेमिंग की इंफॉर्मेशन ये पैड के बारे में मिल जाएगी, और वहाँ पे हम इसका हीटिंग टेस्ट भी करेंगे, और जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल जो चिपसेट है ये अच्छा है, गेमिंग आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। एंड ये पैड में आपको 8360mAh की बैटरी दी गई है, अच्छी सी बैटरी, और बैटरी बैकअप भी आपको अच्छे से मिल जाता है। बट एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे 18 वॉट का नहीं 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग अडाप्टर दिया गया, जिसमें थोड़ी सी फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलेगी। एंड मैं ये भी ट्राई करूंगा एक छोटा सा शॉट बना दूं जहाँ पे आपको पता चले कि ये पैड कितनी देर में फुल्ली चार्ज होता है। सो ओवरऑल जो बैटरी है ना ये भी आपको इसमें अच्छी सी मिल जाएगी। देखिए अगर आप मेरे ओपिनियन की बात करते हो रियलमी पैड 2 को लेकर, देखिए ये पैड मुझे 20,000 रुपए के अंदर परफेक्ट लगा है। परफेक्ट लगने की रीजन क्या है, देखिए इसमें आप 4G सिम यूज कर सकते हैं, 120 हर्ट्ज़ की आपको हायर स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिल जाती है, एंटरटेनमेंट के लिए एक परफेक्ट पैड रहेगा, और उसी के साथ में गेमिंग भी आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। और ये पैड मैंने 18,000 रुपीज़ में परचेस किया, तो 18,000 रुपये में मुझे एक परफेक्ट पैड लगा है जिसमें आपको बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स मिल जाएंगे और काफ़ी सारे आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। और ये पैड के रिगार्डिंग कोई भी आपका क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट के थ्रू कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको आंसर कर दूंगा। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, और कुछ इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।